दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी रिचार्ज ऐप की वीडियो लेकर आया हूं जिसके अंदर आपको रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर आईडी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। एड मनी की लिमिट भी बिल्कुल जीरो रुपए से स्टार्ट है, मीन्स 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए ऐड करके भी आप रिचार्ज का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप के अंदर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है, मीन्स ये ऐप जीएसटी रजिस्टर्ड है और हाल ही में ये ऐप प्ले स्टोर में लॉन्च हुई है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। यहाँ पर आपको हर रिचार्ज के अंदर एक अच्छा खासा कमीशन मिलने वाला है, वो कितना वो भी मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इससे पहले हम वीडियो को आगे बढ़ाएं, उससे पहले वीडियो को कर लीजिएगा लाइक, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और उसके बाद हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे है गुजारिश कि अगर आप किसी भी रिचार्ज ऐप के अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक बार खुद की तरफ से रिसर्च जरूर कीजिएगा, उसके बाद ही किसी रिचार्ज ऐप के अंदर अपना काम स्टार्ट कीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में जिस रिचार्ज ऐप के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, उस रिचार्ज ऐप का नाम है इरफान रिचार्ज सर्विसेज। अगर बात करें इस रिचार्ज ऐप की सर्विसेज की डाउनलोड्स की तो 100+ से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं जो कि प्ले स्टोर में आपको मेंशन हो रहे हैं। अगर बात करें रेटिंग की तो 5.0 की है, हालांकि इसके सिर्फ 7 रिव्यू हुए हैं। ज्यादा रिव्यू होने पर हम ज्यादा ऐप के बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि यह ऐप कितनी अच्छी है। आने वाले टाइम में इस ऐप के रिव्यूज आप चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं तो सिंपली आप इसको ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद आपसे कुछ परमिशन को अलाउ मांगेगा, आप उनको अलाउ करके नेक्स्ट 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 करके गॉट इट पे क्लिक कर देंगे। गॉट इट पे क्लिक करने के बाद आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड भरना है और सिंपली लॉगिन पे क्लिक कर देना है। यूजर नेम और पासवर्ड के लिए आपको एक आईडी लेनी पड़ेगी, जैसे रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर। यहाँ पर रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर आईडी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी के लिए कस्टमर केयर का नंबर फ्लैश हो रहा है, आप वहाँ पर कुछ चार्ज पे करके सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको ऐप के अंदर लॉगिन करके दिखा देता हूँ कि इस ऐप का इंटरफेस किस तरह का है। एक बार जब आप सक्सेसफुल लॉगिन हो जाते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। इंटरफेस की बात करें तो सबसे ऊपर व्हाट्सएप का साइन दिया हुआ है और नोटिफिकेशन का साइन दिया हुआ है, मीन्स आप व्हाट्सएप कोड लेना चाहते हैं डायरेक्ट वहाँ पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आपको व्हाट्सएप कोड मिल जाएगी। नीचे की बात करें तो रिचार्ज सर्विसेज के बारे में बता रखा है, यहाँ पर आप प्रीपेड, डीटीएच और पोस्टपेड के रिचार्जेस कर सकते हैं। इसके बाद करें बिल पेमेंट्स की बात तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, बुक के सिलेंडर, ब्रॉडबैंड कनेक्शंस जैसी सर्विसेज आपको बिल पेमेंट के अंदर मिल जाती है। फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो LIC, लोन रीपेमेंट, क्रेडिट कार्ड, एजुकेशन फीस जैसी सर्विसेज आपको मिल जाती हैं। गूगल पे के रिडीम कोड रिचार्जेस भी आप यहीं से कर सकते हैं। इसके अलावा बैंकिंग सर्विसेज की बात करें तो पैन कार्ड जैसी सर्विस आपको यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर आपको एक और प्लस पॉइंट मिलने वाला है, वो है ट्रैवल सर्विसेज, फ्लाइट, होटल, बस और ट्रेन जैसी बुकिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे मोर पे क्लिक करते हैं तो मोर पे क्लिक करने के बाद इस ऐप की डेली रिपोर्ट, कमीशन, बैंक डिटेल, बाकी इन्फॉर्मेशन आपके साथ मेंशन हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को लंबा ना खींचते हुए पहले मैं आपको इसके अंदर एड मनी करके दिखाऊंगा कि ये ऐप एड मनी में किस तरह से काम करती है और उसके बाद मैं आपको एक रिचार्ज करके दिखाऊंगा कि ये ऐप रिचार्ज में किस तरह से काम करती है। तो एड मनी करने के लिए आप एड मनी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप कितना भी अमाउंट भर सकते हैं। जैसे मैं 10 रुपए पे क्लिक करता हूँ और एड मनी पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आपके सामने यूपीआई के सारे ऑप्शन आ जाएंगे, आप कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करके पेमेंट कर देंगे। जैसे मैंने पेटीएम सेलेक्ट किया, सिंपली पे 10 रुपीज पे क्लिक करूंगा, इसके बाद मैं अपना यूपीआई पिन भरूंगा, पेमेंट ऐड हो जाएगी। आप देख सकते हैं पेड सक्सेसफुली 10 रुपीज का मैसेज आ गया है, बैलेंस अपडेटेड सक्सेसफुल का मैसेज भी आ गया है और मैं सिंपली अब बैक पे क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं जो मेरा बैलेंस 4.74 रुपए था अब वो 14.74 रुपए हो गया है। दोस्तों अब मैं आपको एक रिचार्ज करके दिखा देता हूँ कि ये ऐप रिचार्ज के अंदर किस तरह से काम करती है। तो मैं यहाँ पर सिंपली प्रीपेड पे क्लिक करूंगा, प्रीपेड पे क्लिक करने के बाद मैं कोई भी एक ऑपरेटर सेलेक्ट करूंगा जिसमें मैं रिचार्ज करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं कस्टमर का मोबाइल नंबर भरूंगा, अमाउंट भरूंगा, रिचार्ज नाउ पे क्लिक करूंगा, रिचार्ज सक्सेसफुल हो जाएगा। कस्टमर का मोबाइल नंबर भरा, अमाउंट भरी, रिचार्ज पे क्लिक किया, कंटिन्यू पे क्लिक किया, यहाँ पर पिन मांग रहा है, मैं अपना पिन भरूंगा, जो आपको आईडी बनाओगे उसके साथ आपको पिन भी मिलेगा, वो भरकर आप ओके पे क्लिक करेंगे। लोडिंग का ऑप्शन आएगा, उसके कुछ ही सेकंड्स में रिचार्ज सक्सेसफुल हो जाएगा। आप देख सकते हैं रिचार्ज हैज बीन सक्सेस, योर करंट बैलेंस इज 5 रुपीज 11 पैसा। सिंपली मैं ओके पे क्लिक करता हूं और मैं बैक पे क्लिक करता हूं। इसी तरह दोस्तों अगर आप डीटीएच के रिचार्ज करना चाहते हैं तो डीटीएच पे क्लिक करेंगे, ऑपरेटर सेलेक्ट करेंगे, कस्टमर आईडी सेलेक्ट करेंगे, अमाउंट सेलेक्ट करेंगे और रिचार्ज पे क्लिक करेंगे। चेक डिटेल का ऑप्शन भी इस ऐप के अंदर आ रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। कस्टमर की इन्फॉर्मेशन चेक डिटेल पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद बात करें गूगल पे के रिडीम कोड रिचार्जेस की, तो गूगल पे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर नंबर भरेंगे, अमाउंट भरेंगे, रिचार्ज पे क्लिक करेंगे तो गूगल पे के रिडीम कोड रिचार्जेस भी यहीं से हो जाएंगे। इसी तरह दोस्तों इस ऐप की आप बिल पेमेंट और बाकी सारी सर्विसेज का फायदा ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की कि आपको अगर इस ऐप के अंदर किस तरह की प्रॉब्लम फेस होती है तो आप क्या करेंगे। तो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है इस ऐप के अंदर ही, इसके अलावा व्हाट्सएप का साइन भी दिया हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट व्हाट्सएप की सपोर्ट भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस ऐप के लोगो पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कस्टमर केयर का नंबर है, यहाँ पे मेल आईडी है और इसके अलावा इस ऐप का एड्रेस भी दे रखा है कि ये ऐप कहाँ से जनरेट हो रही है। आपके माइंड में दोस्तों एक और क्वेश्चन आएगा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि ये ऐप जीएसटी रजिस्टर्ड है, तो अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में इस ऐप की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इसके कस्टमर केयर पर व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके इनकी जीएसटी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करें कि आपको इस ऐप के अंदर कमीशन कितना मिलता है हर रिचार्ज के अंदर, तो मैं जाऊंगा यहाँ पर मोर पे, मोर पे जाने के बाद कमीशन पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर अगर आप मोबाइल पे क्लिक करते हैं
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एयरटेल के अंदर 3%, बीएसएनएल के अंदर 5.2%, जियो के अंदर 3.7%, बीएसएनएल टॉपअप के अंदर 5.2% और वोडाफोन आइडिया के अंदर 3.7% कमीशन देखने के लिए मिल जाता है। वहीं बात करें डीटीएच ऑपरेटर की तो ऑल डीटीएच ऑपरेटर पर 3.7% कमीशन देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करें तो कुछ कुछ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट्स के अंदर आपको 0.20% का कमीशन देखने के लिए मिल जाता है। सभी डिपार्टमेंट से नहीं मिलता, प्लीज इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने से पहले एक बार अपना डिपार्टमेंट चेक कर लीजिएगा। दोस्तों इस ऐप से रिलेटेड किसी भी तरह की क्वेरी हो तो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, आप वहां पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस ऐप से कोई बेटर ऐप आपकी नज़र में है तो उसका नाम कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा ताकि हमारे व्यूवर्स को हेल्प हो सके एक अच्छी ऐप चुनने में। आपकी वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक और डिसलाइक करके फीडबैक दीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।